हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसे कि 2.3 एक्सरसाइज हमारा चालू था, पिछली बार में कुछ क्वेश्चन लिए थे हमने थर्ड ऑर्डर वाले, आज आगे करेंगे। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रहा है ए मैट्रिक्स आपको दिया है, आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7i इज इक्वल टू 0। मतलब इसको सॉल्व करके जो अपना आएगा वो 0 आंसर आएगा, जहां पर i मतलब होता है 2x2 मैट्रिक्स, यानी सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले मैं रिपीट कर दूं तुम लोग को, सबसे पहले आपको अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे। मैं हमेशा वीडियो में टाइटल में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 डालता हूँ। तो लेक्चर 3 अगर डायरेक्ट आप देखोगे तो शायद अच्छी तरह समझे ना, तो पहले आपको स्टार्टिंग से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखना है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये ए मैट्रिक्स तुमको दिया है, हमको क्या क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर फाइंड करना है। सिखाया था मैंने कैसे फाइंड करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? ए इंटू ए सीखे हम लोग। ए मैट्रिक्स क्या दिया है? 3, 1, -1, 2। फिर से इंटू, वापस ए मैट्रिक्स क्या दिया है? वही दिया है 3, 1, -1, 2। इसको मल्टीप्लाई करना, मैंने सिखाया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम। और मल्टीप्लाई करते समय पहला पहले को ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे को ही मल्टीप्लाई होगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत क्वेश्चन उसके ऊपर ले चुके हैं। ओके, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? 3 × 3, 9। अगला दूसरा दूसरे को मल्टीप्लाई होगा, 1 × -1, -1। ओके, इस कॉलम से किया, अब इस कॉलम से करो। पहला पहले को 3 × 1, 3, दूसरा दूसरे को 1 × 2, 2, कौन सा 2 + 2, सिर्फ दो ही कॉलम है, तीसरा कॉलम है ही नहीं। ओके, अब आ जाओ नीचे वाले रो पे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इसको इससे। ओके, -1 × 3, -3, 2 × -1, -2। पहला पहले को मल्टीप्लाई होगा, -1 × 3 कितना होगा? -3। दूसरा दूसरे को 2 × -1 कितना होगा? -2। ओके, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहला पहले को -1 × 1, -1, +2 × 2, +4। क्या है बताओ? 9 - 1 कितना होता है? 8। 3 + 2 कितना होता है? 5। -3 - 2 कितना हो जाएगा? -5। और ये कितना हो जाएगा? +3। ये तुम्हारा किसका वैल्यू निकला? ए स्क्वायर का वैल्यू निकला। ओके, नेक्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए। ए तो अपने को पता है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, और आई भी मैंने सिखाया। आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने सिखाया बहुत बार। आई मतलब ऐसा क्रॉस में 1, बाकी क्या हो जाएगा? 0। ओके, एक छोटा वाला आई होता है, एक बड़ा वाला आई होता है, क्रॉस में 1, बाकी सब 0। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ओके, ये जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3। ये जो है 2x2 मैट्रिक्स है। तो अपने कौन सा लेना है? 2x2 बोला अपने, मतलब छोटा वाला मैट्रिक्स लेना है। ओके, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट। अभी प्रूव करना है, मतलब ये पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7i, चलो डालेंगे वैल्यू। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू दिख रही तुम लोग को, छाप दो 8, 5। फिर क्या है? -5, 3। ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, बीच में क्या है? माइनस 5 × 2, तो 5 × जो भी मैट्रिक्स आएगा, कौन सा मैट्रिक्स है? ए। ए माने ये 3, 1, -1, 2, प्लस मतलब इधर आ जाएगा प्लस 7 × मतलब यहां आएगा 7 × आई मैट्रिक्स। आई मतलब अभी बताया है मैंने, क्या होगा? क्रॉस में 1, बाकी क्या हो जाएगा? 0। स्क्वायर की वैल्यू -5 एज इट इज, ए की वैल्यू +7 एज इट इज, आई की वैल्यू। ओके, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको एज इज रखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, -5 से नहीं, माइनस को हम बाहर ही रखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या क्या होगा बताओ? 5 × 3 जा हो जाएगा 15, 5 × 1 हो जाएगा 5, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
5 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, ओके, प्लस 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 7 चला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो गया, 7 इंटू 1 हो गया 7, 7 जीरो जा 0, 7 जीरो जा 0, 7 इंटू 1 कितना हो गया 7, समझ गया इतना। अब बारी बारी सॉल्व करो, एक बार इन दोनों को फिर इससे, ओके, ध्यान से करना है क्योंकि बहुत बार रॉन्ग होता है, ध्यान से देखो। अब बताओ ये 8 किससे माइनस होगा, 15 से माइनस होगी 5 से माइनस होगा, 15 से माइनस होगा क्योंकि यहाँ वाला एलिमेंट जो पहला वाला हो पहले वाले से ही माइनस होगा, ओके। तो बताओ 8 माइनस 15 माइनस 7, तो यहाँ जाएगा माइनस 7। नेक्स्ट 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट ध्यान से देखना, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इधर क्या है माइनस 5 और यहां भी माइनस 5 और बीच में क्या है माइनस, तो ये दो माइनस साथ में आ गया, मतलब दोनों माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, समझ रहे हो, ये दोनों माइनस क्या हो गया साथ में आ गया, यानी ये क्या हो गया प्लस 5 बन गया, तो ये माइनस 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं समझा, साइड में लिखकर देखो, देखो इधर क्या दिया है माइनस, इधर क्या दिया माइनस 5, मुझे करना क्या है माइनस, किसके साथ करना है माइनस 5 के साथ, अब जरा बताओ क्या आएगा इसका वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आगे वाला माइनस 5 आ जाएगा, इसे बन जाएगा प्लस 0 हो गया, समझ रहे, तो इसे ध्यान से क्या करो रॉन्ग हो सकता है वरना। नेक्स्ट अगला 3 यहां पर 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 7, समझ गया, तो यहां पर आगे क्या बचा है देखो प्लस बचा है, प्लस क्या बचा छाप दो 7007, यही छाप देता हूं मैं, आंसर क्या आएगा जरा बताओ, माइनस 7 प्लस 7 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, माइनस 7 प्लस 7 0 आ गया। कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर तो 0 बोला, यहां तो 0 मैट्रिक्स आया, सेम ही होता है, ओके, दोनों का मतलब सेम ही है, आ गया प्रूफ, देयरफॉर लिखने का क्या, हैंस प्रूफ, क्या प्रूफ किया अपन ने, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, अंडरस्टूड, ओके, कॉपी कर लेते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्लस माइनस आना चाहिए, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मैट्रिक्स दिया है, ये इसको पूरा सॉल्व करना है और लास्ट में जो भी आंसर आएगा किसके भी इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हमको आंसर बताना है, सिंपल चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको, कर्ली ब्रैकेट, पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, कैसे करोगे देखो, पहले 4 मल्टीप्लाई करो अंदर, 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 4 टू जा 8, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 4 थ्री जा 12, नेक्स्ट 4 वन जा 4, 4 जीरो जा 0, 4 टू जा 8, देख लो मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई है क्या, नहीं, तो एज इट इज रहेगा, माइनस क्या 3 माइनस 3 4, 2 1 1 ब्रैकेट, या एज इट इज 2 माइनस 1 1 और इधर क्या है x y, अब इसको माइनस करना है, माइनस मैंने बताया पहले बता चुका हूँ कुछ क्वेश्चन में, 8 माइनस 3 5, नेक्स्ट ये किससे माइनस होगा, देखो इससे माइनस होगा, अब ध्यान से देखना गड़बड़ होता है यहाँ पर, ये क्या है माइनस 4, साइड में लिखकर देखने का, माइनस 4 दिख रहा है सबको यहाँ पर, माइनस 4 बीच में क्या है माइनस, ये किसके साथ माइनस होगा इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3, माइनस 4 माइनस 4 मुझे करना माइनस है तो माइनस लिख दिया, किसके साथ करना है माइनस 3 के साथ, तो बताओ उसका वैल्यू क्या आएगा माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, बताओ कितना है वैल्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, ओके। नेक्स्ट 12 माइनस 4 या आसानी से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ओके। नेक्स्ट नीचे वाले की बारी, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 0 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, ये मतलब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ओके। तो अब कर्ली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ओके। तो यहां पर आप क्या बचता है बताओ, 2 माइनस 1 1,
किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई। तो एब्सोल्युटली क्या करना है अभी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बताया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से। तो यहां मल्टीप्लाई करता हूं फटाफट, देख लो ये रो इस कॉलम से, पहला पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। फाइव किससे मल्टीप्लाई होगा, टू से, तो कितना हो जाएगा टेन। माइनस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाले माइनस वन से, तो क्या हो जाएगा प्लस वन। एट किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से, तो क्या बन जाएगा प्लस एट। आगे को कॉलम है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए मैट्रिक्स बंद कर दी। ओके, पहला रो हो गया, अब कौन से रो पे चलोगे, सेकेंड रो पे चलो, ये वाला रो। पहला पहले को टू इंटू टू फोर, देखो नीचे लिख रहा हूं मैं, तो सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे रो लिखने का। टू इंटू टू प्लस फोर, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, नेक्स्ट सेवन इंटू प्लस वन प्लस सेवन इज इक्वल टू क्या बचा बताओ, एक्स वाई। ओके, इसको मैं सीधा लिख देता हूं, एक्स वाई इस तरफ लिखता हूं, एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, पता है ना चलता है ऐसे। ओके, उस तरफ सॉल्व कर लेता, बताओ कितना आएगा, टेन प्लस वन इलेवन, इलेवन प्लस एट नाइनटीन, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व। अब देखते दोनों, देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स इधर को इक्वल है, इक्वल है ना, बताओ किसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाला ऊपर के बराबर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 19 और y की वैल्यू क्या आ गई 12, सॉरी y की वैल्यू क्या हो गई 12। ओके, इतना कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क देता हूँ, कॉपी कर लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोगों को ट्राई करना है सेम, इस बार x y z फाइंड करना है। मैं ऊपर से बता देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई करो, माइनस करने का, फिर तुमको एक मैट्रिक्स मिलेगा, वो मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देने का। तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर हो जाएगा, बीच वाला बीच वाले के बराबर हो जाएगा, नीचे वाला नीचे के बराबर हो जाएगा, इस तरह तुम्हारा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। ओके, अगर आंसर नहीं आया तो डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना, मैं रिप्लाई करूँगा उसका आंसर। अगर ज़्यादा लोगों को डाउट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।